हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 1110 यूट्यूब चैनल। 1110 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ऐसे इंसान यदि ज़िंदगी में आए तो उन्हें कभी जाने मत देना, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पछताओगे आप। जी दोस्तों, आपकी लाइफ में ऐसे इंसान आए तो आप उन्हें कभी जाने मत दीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में किसी ऐसे इंसान के साथ अटैच आ जाते हैं, वो इंसान हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगता है, वो इंसान हमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करता है और उसकी बातें हमें बहुत ही अच्छी लगने लगती हैं। उसके साथ रहना, उसके साथ हमें हंसना खेलना, उसके साथ हमें बैठना, उसके साथ हमें वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगने लगता है, बहुत ही अच्छा स्पेशल फील होने लगता है। मतलब कि एक अच्छे इंसान के साथ हमें रहना बहुत ही अच्छा लगने लगता है, उसके साथ हम बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो ऐसे इंसान हमारी लाइफ में आ जाते हैं। लेकिन कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो हमसे दूर हो जाते हैं, हमारे ईगो की वजह से वो इंसान हमसे दूर हो जाता है, वो इंसान हमसे रिश्ता तोड़कर चला जाता है हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या हमारे ईगो की वजह से। तो हमें बाद में उनकी वैल्यू पता लगती है, हमें बाद में बहुत ही बुरा लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि उन इंसान में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या खूबियाँ होती हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, और ऐसे लोगों को हमें अपनी लाइफ से कभी जाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। क्योंकि ऐसे इंसान बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं और हमें उनके साथ बहुत ही स्पेशल फील होता है, अच्छा लगना लगता है। मतलब कि एक अच्छे इंसान की खासकर पहचान होती है। तो ऐसे इंसान के बारे में आज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या खूबियाँ होती हैं जो वो हमें इम्प्रेस करते हैं और हमारे साथ वक्त बिताते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होता है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, इसको लास्ट तक जरूर देखेगा, आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपकी भी लाइफ में ऐसे इंसान है, ऐसा पार्टनर आपका है, तो आपको भी उसकी कदर करनी चाहिए, अपनी लाइफ से कभी उसे जाने नहीं देना है, नहीं तो आपको बाद में बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उन इंसानों में क्या क्वालिटीज होती है, क्या खूबियां होती है जो हमें बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करते हैं, बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पर आप समझिएगा ध्यान से, पहला पॉइंट है सबको रिस्पेक्ट देने वाला। जी दोस्तों, जो इंसान सबको रिस्पेक्ट देने वाला होता है, खासकर वो इंसान हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। हमको क्या सभी लोगों को ऐसे इंसान पसंद होते हैं जो सबकी रिस्पेक्ट करता है? सबकी रिस्पेक्ट तो करता ही है, लेकिन उसकी लाइफ में जो खास इंसान होता है उसे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। तो ऐसे इंसान से बहुत ही जल्दी लोग अटैच हो जाते हैं। यदि आपकी लाइफ में भी ऐसा इंसान है तो आप भी उसे रिस्पेक्ट दीजिएगा, ताकि वो इंसान आपके साथ हमेशा अटैच रहे, आपसे दूर ना जाए, आपको ही प्यार करे। क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो सबको रिस्पेक्ट देने के साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा महत्व दें, आपको रिस्पेक्ट दें। मतलब कि रिस्पेक्ट देने वाला इंसान बहुत ही यूनिक होता है, मतलब कि एक अच्छे इंसान की कैटेगरी में आता है, एक अच्छा इंसान माना जाता है, जिसके साथ हमें रहने में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होता है। उसके साथ जब हम वक्त बिताते हैं तो हमें वक्त का पता ही नहीं लगता है, उसके साथ हमें बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है तो आपको बाद में बहुत ही बुरा फील होता है, मतलब कि उसके जाने की कमी आपको बाद में पता लगती है। तो आप ऐसे इंसान को कभी भी अपनी लाइफ से जाने मत दीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बाद में पछताना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे किस तरह के लोगों की आपकी लाइफ में अहमियत होती है, किस तरह के लोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है, दूसरी क्वालिटीज वाले इंसान होते हैं वो ये है कि आपकी हजार गलती पर भी माफ़ कर देने वाला। जी दोस्तों, ऐसे इंसान भी बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो आपकी हर एक गलती को इग्नोर कर दें, मतलब कि आपकी हजार गलतियां भी हो जाएं उसके बाद भी आपको वो माफ़ कर दें। ऐसा इंसान यदि आपकी लाइफ में है तो आप उसे कभी जाने मत दीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा। मतलब कि आप छोटी मोटी गलतियां तो करते ही हैं, लेकिन छोटी मोटी गलतियों की आड़ में आपसे बड़ी गलती हो जाती है, उसके बावजूद भी वो आपको माफ़ कर दे, मतलब कि आपसे वो नाराज़ तो होता है, थोड़ी बहुत देर नाराज़ हुआ, लेकिन आपकी गलती को इग्नोर करके आपको माफ़ कर देता है, तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है तो उसे आप कभी जाने मत दीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, ऐसे लोग अच्छे इंसान की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे लोगों की अच्छे इंसान में गिनती आती है। तो आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि आप बार बार गलती करते हैं, ऐसे इंसान का आप भरोसा बार बार तोड़ रहे हैं।
तो आप अपनी तरफ से ऐसा बिल्कुल भी ना करें, मतलब कि उसका भरोसा आप बार बार तोड़ रहे हैं और वो आप पे बहुत ही ज्यादा विश्वास करते जा रहा है, आपकी गलती को इग्नोर करते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो इंसान आपको एकदम बिल्कुल भी छोड़ दे, वो आपसे दूर चला जाए। तो मिस अंडरस्टैंडिंग को भी आप अपने बीच में मत लाइएगा, क्योंकि आप बार बार गलती करते जाएंगे, वो आपकी गलती को इग्नोर तो कर रहा है लेकिन मिस अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में आई, आप दोनों के बीच में आई, तो वो इंसान आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा, आपसे दूर भी जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि बार बार गलती नहीं करें और उसको भी समझें, सामने वाले इंसान को भी समझें, ताकि वो इंसान आपकी लाइफ में हमेशा रहे, आपके साथ अटैच रहे। तो ये दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरी जो क्वालिटीज होती है लोगों में जो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, तीसरी क्वालिटीज वाले इंसान होते हैं जिन्हें कभी जाने नहीं देना चाहिए अपनी लाइफ से, वो ये है कि जो आपको सब कुछ बता दे, ऐसे इंसान को कभी भी जाने नहीं देना चाहिए अपनी लाइफ से, क्योंकि ऐसे इंसान भी बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दें, मतलब कि वो आपको कभी झूठ ना बोलें, वो आपसे जब भी मिले अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ सच बता दें, कभी आपसे झूठ ना बोलते हों। तो ऐसे लोग भी बहुत ही यूनिक होते हैं, मतलब कि एक अच्छी इंसान की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे इंसान अच्छी इंसान की कैटेगरी में गिने जाते हैं। तो यदि आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है, आपका पार्टनर ऐसा है जो आपको सब कुछ सच बता देता हो, कभी आपसे झूठ नहीं बोलता हो, तो आपको अपनी लाइफ से ऐसे इंसान को कभी जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान यदि आपकी लाइफ से चला गया तो आपको बाद में बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा, और हो सकता है ऐसा इंसान आपको बाद में कभी ना मिले, ऐसा पार्टनर आपको बाद में कभी ना मिले, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत ही सच्चे अच्छे इंसान होते हैं। तो ये थी थ्री अच्छे इंसान की क्वालिटीज जो अच्छे लोगों में होती है, मतलब कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको भी ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो आपको रिस्पेक्ट देते हों, आपको सब कुछ सच बता देते हों अपनी लाइफ का। तो ऐसे लोगों के साथ आपको वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, वैसे बिहेवियर से पेश आना चाहिए जैसे वो आते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ आप जब अटैच रहोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। तो ये थ्री क्वालिटीज वाला इंसान आपकी लाइफ में है, आपका पार्टनर है, तो आपको भी उसे रिस्पेक्ट देनी है, उसे प्यार करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। एंड में अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप उसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो कॉल फॉर मी एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।